अच्छा, तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है, और अब हमने एथीरोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करना है। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये रॉबिन्स के अंदर एक बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लें और देख लें, तो ये कंप्लीट पैथोजेनेसिस को बहुत इंटीग्रेटेड वे में डिस्कस कर रही है। अच्छा, होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं, यानी जैसे कि ये एक एंटमल लेयर हो गई है, ये मीडियल लेयर हो गई है, और ये नीचे एडवेंटिशिया है। एंटमा में यहाँ पे क्या पड़े हुए होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। जैसे ही सबसे पहला कॉज या बेसिक जो एथीरोस्क्लेरोसिस की बनेगी वो होगी हमारे पास एंडोथीलियम इंजरी। सबसे पहला स्टेप पैथोजेनेसिस में आप क्या लिखेंगे कि क्या हो रहा है, एंडोथीलियम जो है वो इंजर्ड हो रहा है, एंडोथीलियल इंजरी हो रही है। एंडोथीलियल इंजरी के अगर कॉजेस की बात करूं तो ऑलरेडी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, हम यहां पे जल्दी से एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो एंडोथीलियम इंजरी के लिए होता है वो होता है हीमोडायनामिक स्ट्रेस, या जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन होगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर है ब्लड प्रेशर क्या करेगा, इस एंडोथीलियम को इंजर्ड करने की कोशिश करेगा। और हाइपरटेंशन की वजह से या हीमोडायनामिक स्ट्रेस की वजह से जो एंडोथीलियम की इंजरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कॉमन है, तो ये तीन कॉमन पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल एओर्टा में, या जो मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं उनके ओसियम या माउथ में हम बात करें तो आपने याद रखना है सेंट्रिक आर्टरी के ओसियम में। या फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जहाँ पे आर्टरीज के ब्रांचिंग पॉइंट हैं, आर्टरीज के जो ब्रांचिंग पॉइंट हैं वहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से एंडोथीलियम की इंजरी ज़्यादा कॉमन है। सो एंडोथीलियम की इंजरी किसकी वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज एंडोथीलियम की इंजरी जो कॉज करता है वो है हमारी बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड के ज़्यादा लेवल भी एंडोथीलियम को इंजर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं लिपिड की क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो आपको पता है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो जो लिपिड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ लोड हुआ हुआ होता है बॉडी में, वो तीन चार तरह का होता है ना, काइलोमाइक्रोन होते हैं, VLDL होता है, LDL होता है, HDL होता है, लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस LDL की और HDL की ज़्यादा है। जो LDL है अगर उसके हाई लेवल्स हमारी बॉडी में होंगे तो वो क्या है, बैड कोलेस्ट्रोल है। वो क्यों बैड कोलेस्ट्रोल कहलाता है, क्योंकि वो लिवर से कोलेस्ट्रोल को, लिपिड्स को लेके जाता है टिश्यूज़ की तरफ, और जितना वो ज़्यादा होगा इतना लिपिड टिश्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा, टिश्यूज़ में डिपॉजिट होगा, और टिश्यूज़ में जब लिपिड या फैट डिपोजिशन होती है तो वही तो एथीरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, किस तरह से अभी हम बढ़ते हैं, तो अगर एलडीएल के लेवल ज्यादा हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं और ये हमारे एंडोथीलियम को क्या करते हैं, डेंजर इंजर करते हैं। उसके अलावा एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रोल है, अगर उसके लेवल कम है तो वो भी एथीरोस्क्लेरोसिस की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रोल है, क्यों, क्योंकि ये टिश्यू से वापस कोलेस्ट्रोल को, लिपिड्स को लिवर की तरफ लेके जाता है और उसको डिग्रेड या मेटाबोलाइज कराता है। अब एलडीएल के जो हाई लेवल हैं हम कह रहे हैं कि वो एंडोथीलियम को इंजर्ड करते हैं, तो किस तरह से इंजर्ड करते हैं, एलडीएल के हाई लेवल इस एंडोथीलियम की इंजरी करेंगे, इंजर करने के बाद इसको बहुत ज्यादा क्या बना देंगे, परमीएबल। जब ये परमीएबल होगा तो यहां से एलडीएल अंदर आना शुरू हो जाएगा, मैक्रोफेजेस अंदर आएंगे, लिम्फोसाइट्स अंदर आएंगे और अंदर आके यहां पे क्या कर देंगे, फैट डिपोजिशन और प्लैक बनाएंगे, किस तरह मैं आगे भी आपको पढ़ाती हूं। उसके अलावा एलडीएल क्यों नुकसानदेह होते हैं, इसलिए नुकसानदेह होते हैं कि आपने याद रखना है कि आपका जो एंडोथीलियम है नॉर्मल कंडीशन में क्या बना रहा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मली प्लेटलेट्स को यहां पे जमा होने नहीं देता, लेकिन एलडीएल क्या करता है, एलडीएल इसी एंडोथीलियम से क्या बनाना शुरू कर देता है, फ्री रेडिकल्स बनवाना शुरू करता है, और फ्री रेडिकल्स जाके क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो प्लेटलेट्स की जो एबिलिटी है यहां पे आके अटैच होने की और यहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। सो प्लेटलेट्स यहां पे एंडोथीलियम पे आके ऊपर अटैच होना शुरू हो जाते हैं, एडहेजन करते हैं और यहां पे क्या बना देते हैं, थ्रोम्बस। तो एलडीएल के हाई लेवल ना सिर्फ एंडोथीलियम को परमिएबल करके सब्सटेंसेस को अंदर भेज के एथीरोस्क्लेरोसिस करते हैं, बल्कि ऑन सरफेस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। इसी तरह एलडीएल के जो हाई लेवल्स हैं, एलडीएल अंदर जाता है और मैक्रोफेजेस इसको क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ऑक्सीडाइज एलडीएल नीचे स्मूथ मसल्स को जाके इरिटेट करता है और पॉजिटिव फीडबैक साइकिल्स चला देता है यहाँ पे, और एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोग्रेशन को फर्दर इन्हेंस करता है। ठीक है, अभी आपने इसके इफेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना, ये रिस्क फैक्टर्स मैं दोबारा से बताऊंगी कि एलडीएल किस तरह से एंडोथीलियम को इंजर कर रहा है, लेकिन एलडीएल करता है। सो दो रिस्क फैक्टर हमने देख लिए, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर पेशेंट क्या करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके कुछ केमिकल्स होंगे जो एंडोथीलियम को डैमेज कर देंगे। स्मोकिंग के अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी जो है एंडोथीलियम की इंजरी के रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर माइक्रोब्स हैं ब्लड के अंदर तो वो भी एंडोथीलियम को इंजर कर सकते हैं। कोई केमिकल मटीरियल है या इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज हैं इम्यून सिस्टम के, तो ये सारे के सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, एंडोथीलियम की इंजरी कर सकते हैं। तो एथीरोस्क्लेरोसिस के सबसे पहले कॉज में आपने क्या लिखना है कि आपके पास क्या हो रही है, एंडोथीलियम की इंजरी हो रही है। ठीक है, एंडोथीलियम की इंजरी के कॉजेस क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी बात क्या होगी कि जब एंडोथीलियम इंजर्ड हो गया तो क्या हुआ, तो एंडोथीलियम की इंजरी की वजह से ये जो एंडोथीलियम सेल्स हैं इनके दरमियान गैप्स आ जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एंडोथीलियम सेल्स क्या होते हैं, इररेगुलर हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, परमिएबल हो जाते हैं। परमिएबल होने के साथ साथ इनकी जो एडहेजन एबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लड के अंदर से जितने भी मोनोसाइट या डब्ल्यूबीसी गुजर रहे हैं उनको अपने साथ क्या कराना शुरू कर देते हैं, उनकी एडहेजन शुरू हो जाती है, यहाँ पे वो आके चिपकना शुरू हो जाते हैं। कौन, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और साथ साथ ही ये परमिएबल हो जाता है। तो परमिएबिलिटी की वजह से ब्लड के अंदर अगर एलडीएल ज्यादा है तो एलडीएल भी क्या करेगा कि एंडोथीलियम से गुजर के अंदर एंटमा में आ जाएगा। ठीक है, तो एंटमा के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ जाएंगी मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स आ जाएंगी, दूसरा हमारे पास अंदर क्या आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स अंदर आ जाएंगी। लिम्फोसाइट्स के साथ साथ अंदर क्या आना शुरू हो जाएंगे, लिपिड्स भी आएंगे। ना सिर्फ ये अंदर आएंगे बल्कि ऑन सरफेस भी, मैंने आपको बता दिया कि एंडोथीलियम की इंजरी की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ऑन सरफेस जो है वो आपके पास प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आ रही है कि एंडोथीलियम की इंजरी की वजह से ये सारे इवेंट्स होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि अंदर आने के बाद जो मोनोसाइट हैं क्योंकि वो टिश्यू में आ गए हैं तो वो क्या बन जाएंगे, मैक्रोफेजेस, और इसी तरह यहां पे क्या भी पड़े होंगे, लिम्फोसाइट्स भी पड़े होंगे। क्योंकि हमारे पास एलडीएल भी आ रहा है तो एलडीएल आके इनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, लिपिड लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैक्रोफेजेस हैं और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके अंदर लिपिड आके लोड होना शुरू हो जाएगा, और जब लिपिड इनके अंदर लोड होगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गए हैं, फॉर्म सेल्स बने हैं। सो एंडोथीलियम की इंजरी हुई, मेम्ब्रेन परमिएबल हुई, अंदर मैक्रोफेजेस आए, लिम्फोसाइट आए, पीछे लिपिड आया। लिपिड यहाँ पे पड़ा भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फैटी डॉट्स हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ होगा बल्कि इनके अंदर लोड भी हो जाएगा, और लोड होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे, फॉर्म सेल्स बनेंगे। इनके पास स्केवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू इन्होंने लिपिड को लिया है। ना सिर्फ ये लिपिड को लेके फॉर्म सेल्स बनते हैं बल्कि ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट बहुत सारे केमिकल मीडिएटर जैसे इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करेगा, और ये भी लिम्फोटॉक्सिन्स वगैरह को रिलीज करेगा, जो फर्दर सिग्नल देंगे एंडोथीलियम को, उसकी परमिएबिलिटी को मजीद बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लिपिड इनटेक कराएंगे। मैक्रोफेजेस जो हैं वो इसी लिपिड को ऑक्सीडाइज भी कर देती हैं, क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज भी करती हैं। सो एलडीएल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, एलडीएल ऑक्सीडाइज होके फर्दर ऊपर से मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट को अंदर बुलाता है, सॉरी मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करती हैं, इसको ऑक्सीडाइज करती हैं। तो ये फर्दर मैक्रोफेजेस को अंदर बुलाएगा और फर्दर वो लिपिड से फिल होंगी और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म सेल्स बनेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो फॉर्म सेल्स हैं फिर ये रप्चर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अंदर हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, लिपिड कोर, सारा लिपिड इनमें से रिलीज होके दरमियान में हमारे पास क्या बन जाएगी, लिपिड कोर बन जाएगी। ऊपर आपको पता है एंडोथीलियम है और नीचे क्या पड़ा हुआ है, आपका मीडिया पड़ा हुआ है। तो यहां पे अब लिपिड कोर बन चुकी है और ये जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है ये नीचे जाएंगे, मेडिएटर रिलीज करेंगे, स्मूथ मसल्स को सिग्नल देंगे और स्मूथ मसल्स जो है वो मूव करके ऊपर आएंगे, यहां आके स्मूथ मसल प्रोलिफरेट करेंगे और इस लिपिड कोर के ऊपर एक कैप बना देंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप। और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, कॉलेजन्स वगैरह। तो यहां पे एक पूरी आपके पास क्या बन जाएगी, एरिथ्रोमा बनेगा। इस एरिथ्रोमा के अंदर आपको क्या मिल रहा है, लिपिड कोर मिल रही है, यहां पे मैक्रोफेजेस मिल रहे हैं, लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन है और स्मूथ मसल बहुत ही ज्यादा कॉलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी ड्राइंग कोई अच्छी नहीं है लेकिन आपने समझना ये है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास, यहाँ बुक से भी मैं आपको समझाती हूँ, नॉर्मली हमारे पास एंडोथीलियम था, इसका एंटमा था, मीडिया था, एडवेंटिशिया था और ल्यूमन बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ल्यूमन में इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंजरी हुई, तो इंजरी की वजह से ये परमिएबल हो गया और परमिएबिलिटी की वजह से ये आपको नजर आ रहे हैं कि प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट हो रहे हैं और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट यहां से अंदर जा रहे हैं एंटमा की तरफ। जब ये अंदर जाते हैं तो इनके अंदर जो है वो स्मूथ, इनके अंदर क्या लोड हो जाता है, लिपिड भी पीछे आता है और लिपिड इनके अंदर जब लोड
लोड होता है तो ये क्या बन जाते हैं, फॉर्म सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, फॉर्म सेल्स बनते हैं और फिर यही फॉर्म सेल्स रप्चर होते हैं और यहाँ पे क्या बन जाती है, लिपिड कोर. जबकि नीचे से ये स्मूथ मसल सेल्स ऊपर चले गए और ऊपर जाके इन्होंने एक फाइब्रस कैप बना ली और इस कैप ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया, कॉलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन. और ये एक एरिथ्रोमा बन चुका है, फाइब्रोफैटी एरिथ्रोमा, जिसके अंदर आपको फाइब्रस कैप, लिपिड कोर, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है. इन्फ्लेमेशन से कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, वो मीडिएटर जो वेसल की वॉल को वेसल सप्लाई करती है उन्हें हम कहते हैं वेसा वेसोरम, वो उनको जाके इरिटेट करते हैं और समटाइम वो वेसल रप्चर हो जाती हैं तो इंट्रावस्कुलर हीमाटोमा भी डेवलप हो जाता है. अब इसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि जो ल्यूमन है वो क्या हो चुका है, अक्लूड हो चुका है. अक्लूजन की वजह से ब्लड सप्लाई जो है उसमें इशू होगा और जाहिर है ऊपर क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स भी जमा हो रहे हैं और प्लेटलेट की जमा होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, थ्रोम्बस भी बन जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमन फर्दर अक्लूड हो जाता है और सम टाइम ये रप्चर होके इसको कम्प्लीटली क्या करते हैं, अक्लूड कर देता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में डिस्कस किया है और आगे भी देखेंगे. तो आई होप कि मैंने यहाँ पे गन मिचा दी है, लेकिन आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि आपके पास सबसे पहले क्या होनी है, एंडोथीलियम इंजरी, उसके बाद वेसल वॉल हो जानी है परमिएबल, परमिएबिलिटी की वजह से अंदर जाएंगे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिपिड्स वगैरह जाएंगे, लिपिड की लोडिंग की वजह से बनेंगे फॉर्म सेल्स रैप्चर होंगे तो वहां पे बनेगी लिपिड कोर बनने के साथ साथ ऑक्सीडाइज एलडीएल नीचे से स्मूथ मसल्स को सिग्नल्स देगा और वो ऊपर आके क्या बना देंगे, फाइब्रस कैप, और फाइब्रस कैप बनने की वजह से वहां पे क्या बन चुका है, एक एरिथ्रोमा डेवलप हो चुका है. और अगर केमिकल मीडिएटर जाके वेसा वेसोरम को इरिटेट करेंगे तो वो रप्चर होकर इंट्राम्यूरल हेमरेज भी बना सकती है. तो ये हमारे पास जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की ओवरऑल पैथोजेनेसिस है. अगर आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें हैं, एंडोथीलियम की इंजरी है, फिर लिपिड्स के ज़्यादा लेवल हैं, लिपिड किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये मैं रिस्क फैक्टर में बताऊंगी. वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन की वजह से पूरे का पूरा फाइब्रोफैटी प्लैक बन जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी किस तरह से ऑल्टर हो रही है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस और कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं.